आपली प्रतिभा आणि मेहनतीच्या आधारावर आपण कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही आहोत याचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे, असे गौरवोद्गार आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कामोठे येथे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमावेळी काढले. रयत शिक्षण संस्थेच्या लोकनेते रामशेठ ठाकूर विद्यालयात देशाचा 76वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विद्यालयाचे चेअरमन तथा पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या कार्यक्रमानिमित्त वसुधा पूजन उपक्रमाअंतर्गत अमृत वाटिकेमध्ये मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यानंतर शिस्तबद्ध पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी परेड तसेच नृत्य आणि मूक नाटिका उत्तमरित्या सादर करून उपस्थित मान्यवरांची मने जिंकली. दरम्यान या कार्यक्रमावेळी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शालाबाह्य स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा, सांस्कृतिक अशा विविध ठिकाणी झालेल्या स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते गुणगौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाला पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक विजय चिपळेकर, विकास घरत भाजप ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर, रयतचे रायगड विभाग इन्स्पेक्टर रोहिदास ठाकूर, महिला मोर्चाच्या आशाताई भगत, बाळासाहेब कारंडे, संजय म्हात्रे, प्राचार्य अविनाश कुलकर्णी, प्राचार्य स्वप्नाली म्हात्रे, पर्यवेक्षिका कुसुम प्रजापती, सारिका लांजुरकर, नेहा खन्ना यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते. इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप सभी का अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि आप सभी ने आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित रहकर अपने देश के प्रति अपनी भावना को जाहिर किया हुआ है. और जैसे हमारे विभिन्न बच्चों ने, किसी ने मराठी में बात की, किसी ने हिंदी में बात की, किसी ने इंग्लिश में बात की, तो उन्होंने जाहिर किया कि हमारा देश जिस तरीके से हर दिशा में प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा है, इसका हम सभी को गर्व है. और हम सभी, जैसे देश के प्रधानमंत्री हमें कहते हैं कि 75 स्वतंत्रता दिन को 75 साल पूरे हो गए, अब 100 साल पूरे होने के ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो इस काल को हम अमृत काल कहेंगे. तो अमृत काल में हम जो भी कदम उठाएंगे, सोच समझकर इस देश की प्रगति की दिशा में अगर हम कदम बढ़ाएंगे, तो हमारा देश और फुर्ती से आगे बढ़ पाएगा. जैसे यहाँ पर बताया गया, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्र की ऑर्बिट में यहाँ पर लैंड करेगा, चंद्रमा पर लैंड करेगा, और हम चौथा ऐसा देश दुनिया में बन पाएंगे जिसने ये सारा कदम उठाया हो. सोचिए कि हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिन मना रहा है, पर इसके पहले कई ऐसी दुनिया में ऐसी कई हमारी हम कहेंगे ऐसे कई देश है जो हमसे 100 साल पहले, 150 साल पहले स्वतंत्र बन चुके थे, पर वो जो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, वो आज भारत देश अचीव कर पाएगा, ये हम सभी के लिए गर्व की बात होगी. और ऐसे कई कदम भारत में नहीं, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम बढ़ा चुके हैं, इसका हम सभी को मिलकर गर्व है.